दुनिया में करोड़ों कलाकार हैं, मगर सबसे बड़ी कलाकार है माँ, जो अपने रक्त और ममता से एक आत्मा को जीवन का रूप देती है और उसी में अपनी सारी खुशियाँ ढूंढ लेती है। ऐसे में जब वो एक लौती संतान दीक्षा लेने की अनुमति माँ से मांगे, तब उस माँ के मन में संजोए लाखों सपने एक क्षण में चूर चूर हो जाते हैं। उस माँ का इस हकीकत को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। नाजों से जिसे पाला, जिस पुत्र को 56 भोग खिलाए, सर्दी गर्मी का एहसास तक नहीं होने दिया, उसी को गोचरी में रूखा सूखा मिलने की कल्पना, पथरीली राहों पर नंगे पैर चलने की पीड़ा, ठिठुरती सर्दी और चिलचिलाती धूप में कोमल तन के मुरझा जाने की कल्पना मात्र से माँ शहर जाती है। दूसरी तरफ जीवन संगिनियाँ, जिसने अपने पति के लिए अपना घर परिवार छोड़ा और उन्हीं में अपना संसार और सुख पाया, ऐसी पत्नियों को छोड़ पति दीक्षा की बात करे कल्पना मात्र भी उसे डरा देती है। लेकिन जब तीर्थंकर भगवान की अमृत वाणी किसी के कानों में पड़ जाए, तो फिर उसे मोह माया का शोर कहाँ सुनाई देता है। ऐसे ही हमारी आने वाली ढाल में एक बहुत ही सुंदर नगरी का वर्णन है, जहाँ पर कुआं बावड़ी बाग बगीचे हैं। यहाँ के राजा का नाम है जयशत्रु। अहो दृश्य, कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर तीर्थंकर भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। बहुत सारे मुनि परिवार श्रावक श्राविका वहाँ सम्मिलित हुए और भगवान की देशना का श्रवण किया। उसी बीच धन्ना जी भगवान को वंदन नमस्कार कर आसन ग्रहण करते हैं और फिर धन्ना जी को वैराग की परम भावना जागृत होती है। और कैसे धन्ना जी जाकर अपने माता और अपनी पत्नियों को मनाते हैं दीक्षा के लिए और उन्हें भी प्रेरित करते हैं कि धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो। इस ढाल का सबसे लुभावना पहलू है कि किस तरह जब धन्ना जी अपनी माता को दीक्षा हेतु मना लेते हैं, फिर वो ही माँ अपने प्राणों से प्रिय बालूड़े को भगवान को समर्पित कर देती है। धन्ना जी ने दीक्षा ग्रहण की, उसी उत्कृष्ट भाव से उन्होंने उसे पाला। दीक्षा के पश्चात धन्ना जी जीवन पर्यंत बेले बेले पारना तथा पारने में भी आइंबिल का प्रांत और नीरस आहार ग्रहण कर अपने शरीर को उत्कृष्ट तप से तपाते हैं। इस प्रकार 9 महीने का उत्कृष्ट तप करके सर्वार्थ सिद्ध विमान में अवतरित हुए। तो बने रहिए हमारी प्रस्तुति के लिए।